थाना कंटेनमेंट पुलिस ने एटीएम तोड़ने का प्रयास और दुकान से मोबाइल लैपटॉप चोरी करने वाले गिरोह के एक बदमाश को दबोच लिया। बाकी आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे। पुरानी जेल के पास आरोपी आपस में चोरी के सामान का बंटवारा कर रहे थे। आरोपी से लैपटॉप, बाइक, 25 मोबाइल, रोड छैनी हथौड़ा और जैक रोड बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी की पहचान अलियास उर्फ आस निवासी गुराला थाना अजनाला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए बदमाश की गैंग ने ही गणपति टेली कम्युनिकेशन की दुकान पर शटर तोड़कर मोबाइल लैपटॉप चोरी किए थे और पंजाब एंड सिंध बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। थाना प्रभारी जसपाल सिंह ने बताया कि गुमटाला चौकी के एएसआई परमजीत नाके पर थे, तभी सूचना मिली थी कि जिन लोगों ने गणपति टेली कम्युनिकेशन में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था वह लोग पुरानी जेल वाली जगह पर आपस में सामान बांटने वाले हैं। चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और एक आरोपी को दबोच लिया, लेकिन उसके साथ ही पुलिस को चकमा देकर भाग गए। वही अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरोह के फरार सदस्य भी जल्द पकड़े जाएंगे। गिरोह का एक सदस्य पकड़ा गया है, 3 और सदस्य शामिल है जिनकी पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है, जल्द ही वह पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हाँ सर, की मसला है जायदा जी? ये 13-14 दी दरमियानी रात नूं एयरपोर्ट रोड ते प्लास ऑफ चौक दे विच एक गणपति टेलीकम्युनिकेशन दी दुकान है मोबाइल वगैरह दी। उधर रात कोई शटर तोड़ के आने वाले व्यक्ति उधर सामान मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह वो चोरी करके ले गए जी, जिसे करके पछा दर्ज किया गया। तो कल साढ़े सी परमजीत इंचार्ज गुमटाला उन्होंने इतलाह मिली सी भी जिन्हें व्यक्तियों ने चोरी की है वो ही समान वंडन वास्ते इकट्ठे हुए हैं किसी जगह से। फिर इन्होंने पार्टी लैके उत्ते रेड किया, वो 4 जने टोटल से जिन्हें चो 3 जने भज गए, एक जना इन्होंने काबू कर लिया। काबू करके जिहड़ा चोरी है समान सी उहदे कोलों सारा रिकवर किया है, जिस 25 मोबाइल ने अलग अलग कंपनियां दे, एक लैपटॉप एसर कंपनी का ते मोटरसाइकिल है उहदा। इस तों इलावा जिहड़ा समान वरतदे सीगे दुकानां दे शटर बनवाउण वास्ते रोड हथौड़ा छैनी टोटल 25 मोबाइल ने अलग अलग कंपनियां दे एक लैपटॉप जिहड़ा इसे कवर कीता। अमृतसर से जतिंद्र पाल सिंह कलेर की रिपोर्ट, जनहितेशी न्यूज़।